हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जीके तिर्की क्लब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। आज का टॉपिक है भारत रत्न 2024। भारत रत्न टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत रत्न 2024 इस टॉपिक पर जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे इस वीडियो में कवर किया है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत रत्न भारत सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न का सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है। भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। भारत रत्न पहली बार 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजगोपालचारी और चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था। तीनों ही तमिलनाडु राज्य से थे। 1954 से 2024 तक 53 हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 1954 से शुरू हुए भारत रत्न के इतिहास में यह पहली बार जब एक साथ 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। वर्ष 2024 में पहली बार 5 हस्तियों को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया है। इससे पहले एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया गया है। आइए आज का पहला सवाल देखते हैं। वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति कौन कौन हैं? इसका सही आंसर है बी, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव, M.S. स्वामीनाथन। वर्ष 2024 में कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव, M.S. स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 2024 में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तियों के बारे में आइए थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। आइए सबसे पहले चौधरी चरण सिंह के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर किसान परिवार में हुआ था। किसान के अधिकार और उनके कल्याण के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्हें किसानों के मसीहा के रूप में जाना जाता है। 1930 में गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के हिस्सा बने। चौधरी चरण सिंह के कारण ही उत्तर प्रदेश में 1952 में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ। वर्ष 1954 में भूमि संरक्षण कानून को पारित कराया। 3 अप्रैल 1967 से 17 अप्रैल 1968 तथा 17 फरवरी 1970 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1979 में वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री रहे। इसी दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की। चौधरी चरण सिंह जनता दल के संस्थापक रहे। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक वे भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान वे कभी भी संसद नहीं गए। चौधरी चरण सिंह लेखक थे। उन्होंने एबोलिजेशन ऑफ जमींदारी लीजेंड प्रोपराइटरशिप और इंडियाज पॉवर्टी एंड इट्स सोल्यूशन पर किताब लिखे। 29 मई 1987 को उनका निधन हो गया। आइए पीवी नरसिम्हा राव के बारे में जान लेते हैं। पीवी नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को करीमनगर में हुआ था। भारत के आर्थिक उदारीकरण के जनक नरसिम्हा राव लगातार 8वीं बार चुनाव जीते और राव को भारत की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे
भारत को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने, देश की समृद्धि और विकास के लिए ठोस नींव रखे। नरसिम्हा राव ने अपना राजनीतिक करियर आंध्र प्रदेश से शुरू किया था। वे 1962 से 1964 तक कानून एवं सूचना मंत्री, 1964 से 1967 तक कानून एवं विधि मंत्री, 1967 में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री एवं 1968 से 1971 तक शिक्षा मंत्री रहे। वर्ष 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। 1977 से 1984 तक लोकसभा सदस्य रहे और दिसंबर 1984 में रामटेक से 8वीं लोकसभा चुने गए। वे 14 जनवरी 1980 से 25 दिसंबर 1985 के मध्य भारत सरकार में विदेश मंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री रहे। 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे। 23 दिसंबर 2004 को उनका निधन हो गया। आइए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था। स्वामीनाथन भारत के कृषि वैज्ञानिक और पौधों के आनुवंशिकी विज्ञानी थे। एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति का अगुआ माना जाता है। उन्होंने वर्ष 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब के घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किया, जिन्हें खेतों में लगावे। इसके कारण भारत के गेहूं उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। भारत को कृषि में आत्मनिर्भरता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और भारतीय कृषि को आधुनिक रूप देने में उत्कृष्ट प्रयास किए। इस क्रांति ने भारत को दुनिया में खाद्यान्न में निर्भर बना दिया था। वर्ष 1971 में उन्हें सामुदायिक नेतृत्व के लिए मैग्सेस पुरस्कार दिया गया। वर्ष 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस पुरस्कार दिया गया। वर्ष 1987 में पहला विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया। वर्ष 1991 में अमेरिका में टाइलर पुरस्कार दिया गया। वर्ष 1994 में होंडा पुरस्कार दिया गया है। स्वामीनाथन को भारत सरकार द्वारा उन्हें 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण, 1989 में पद विभूषण से सम्मानित किया गया। 28 सितंबर 2023 को उनका निधन हो गया। आइए लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में जान लेते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची, पाकिस्तान में हुआ था। 3 फरवरी 2024 को भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को वर्ष 2024 के भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। लाल कृष्ण आडवाणी 1947 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सचिव बने। अप्रैल 1970 में पहली बार आडवाणी राज्यसभा के सांसद बने। 3 बार 1986 से 1991, 1993 से 1998 और 2004 से 2005 भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 1989 में 9वीं लोकसभा के लिए दिल्ली से सांसद चुने गए। उसके बाद 1991 से 2014 में गांधीनगर से लोकसभा सांसद चुने गए। माय कंट्री माय लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की एक आत्मकथा पुस्तक है, जिसे 19 मार्च 2008 को भारत के 11वें राष्ट्रपति अब्दुल कलाम द्वारा जारी किया गया था। 1998 से 2004 के बीच एनडीए शासन में भारत के गृह मंत्री रहे। लाल कृष्ण आडवाणी 2002 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री का पद संभाला। 2015 में उन्हें भारत के दूसरे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आइए डिटेल में जानते हैं कर्पूरी ठाकुर के बारे में। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पितौझिया
में हुआ था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर को उनकी 100वीं जयंती से एक दिन पहले 23 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वर्ष 2024 में भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की है। कर्पूरी ठाकुर 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 और 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। कर्पूरी ठाकुर का जीवन सादगी और सामाजिक न्याय का समर्पित रहा समूचा जीवन, इसलिए उन्हें सामाजिक न्याय के पुरोधा और सामाजिक न्याय का मसीहा माना जाता है। भारत के सबसे पहले पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया, पढ़ाई में अंग्रेजी को अनिवार्यता को समाप्त किया। कर्पूरी ठाकुर बिहार में मैट्रिक तक की पढ़ाई को मुफ्त कर दिया था। कर्पूरी ठाकुर बिहार के तीसरे नेता जिन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इससे पहले देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लोकमान्य तिलक जय प्रकाश नारायण को यह सम्मान दिया गया था। आइए अगला सवाल देखते हैं। वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? इसका सही आंसर होगा सी, बिहार के। कर्पूरी ठाकुर वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित हुए बिहार राज्य के मुख्यमंत्री थे। अगला सवाल, भारत रत्न 2019 में किसे दिया गया? इसका सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी को। 2019 में नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, प्रणव मुखर्जी, इन सभी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल, पहला भारत रत्न कब दिया गया था? इसका सही आंसर होगा सी, वर्ष 1954 में। भारत में 1954 में पहला भारत रत्न दिया गया था। अगला सवाल, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? इसका सही आंसर है बी, भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। अगला सवाल, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही आंसर है सी, 2 जनवरी 1954 को। भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को हुई है। अगला सवाल, भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है? इसका सही आंसर है बी, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। अगला सवाल, भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला कौन है? इसका सही आंसर है डी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला है। 1971 में भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त किया था। अगला सवाल, भारत रत्न जीतने वाली दूसरी महिला कौन थी? इसका सही आंसर है ए, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली दूसरी महिला थी। अगला सवाल, भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा ए, कला, साहित्य, सार्वजनिक सेवा, जनसेवा और खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला सवाल, भारत रत्न कितने प्रधानमंत्रियों को मिला है? इसका सही आंसर है सी, 8 प्रधानमंत्रियों को। भारत रत्न पुरस्कार अब तक 8 प्रधानमंत्रियों को मिला है। अगला सवाल, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम राष्ट्रपति कौन है? इसका सही आंसर है बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? इसका सही आंसर है डी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं जिन्हें 1955 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल,
इंदिरा गांधी को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? इसका सही आंसर है डी 1971 में। 1971 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगला सवाल, मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला? इसका सही आंसर है बी 1980 में। मदर टेरेसा को भारत रत्न पुरस्कार 1980 में मिला। अगला सवाल, अब तक कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न मिल चुका है? इसका सही आंसर है सी 6 राष्ट्रपति को। अब तक 6 राष्ट्रपति को भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। अगला सवाल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर है सी वर्ष 1997 में। 1997 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल, भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? इसका सही आंसर है बी सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट के इतिहास में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माने जाते हैं। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले वह सर्वप्रथम खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। अगला सवाल, सबसे कम उम्र में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति कौन हैं? इसका सही आंसर है सी सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर मात्र एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ है और वह भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। अगला सवाल, सबसे अधिक उम्र के भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन हैं? इसका सही आंसर है ए धोंडो केशव कर्वे। धोंडो केशव कर्वे सबसे उम्रदराज जीवित प्राप्तकर्ता थे जब उन्हें 18 अप्रैल 1958 को उनके 100वें जन्मदिन पर सम्मानित किया गया था। अगला सवाल, कितने व्यक्तियों को नोबल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है बी 3 लोगों को। अब तक 3 व्यक्तियों को नोबल पुरस्कार और भारत रत्न पुरस्कार दोनों से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, JRD टाटा और सत्यजीत रॉय को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है बी वर्ष 1992 में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, JRD टाटा और सत्यजीत रे को 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला सवाल, अब तक कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है? इसका सही आंसर है सी 53 लोगों को। अब तक 53 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला सवाल, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित हस्ती कौन है? इसका सही आंसर है डी BR अंबेडकर। BR अंबेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई। BR अंबेडकर मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला सवाल, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष की तरह बनाया गया है? इसका सही आंसर है सी पीपल के पत्ते की तरह। भारत रत्न का डिजाइन पीपल की पत्ते की तरह बनाया गया है। अगला सवाल, भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष बंद कर दिया गया था? इसका सही आंसर है बी 1977 में। 1977 में भारत रत्न पुरस्कार को बंद कर दिया गया था। अगला सवाल, भारत रत्न दोबारा कब शुरू किया गया था? इसका सही आंसर है ए 1980 में। 1980 में भारत रत्न पुरस्कार को दोबारा शुरू किया गया। अगला सवाल, अब तक कुल कितने हस्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? इसका सही आंसर है सी 18 हस्तियों को। अब तक कुल 18 हस्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल, अब तक कुल कितने गैर भारतीयों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है सी 2 गैर भारतीयों को। अब तक कुल 2 गैर भारतीयों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
अगला सवाल, भारत रत्न पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? इसका सही आंसर है बी, प्रमाण पत्र और तांबे के बने पीपल के पत्ते पर सूर्य और अशोक स्तंभ वाला मेडल तथा कोई धन राशि नहीं दिया जाता है। अगला सवाल, भारत के किस प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है बी, राजीव गांधी को। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला सवाल, भारत के पहले गैर नागरिक जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ए, खान अब्दुल गफ्फर खान। खान अब्दुल गफ्फर खान को 1987 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भारत के पहले गैर नागरिक थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला सवाल, भारत रत्न पुरस्कार का गोलाकार स्वर्ण पदक व्यास है? इसका सही आंसर है सी, 35 mm। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री भारत रत्न पुरस्कार विजेता हैं? इसका सही आंसर है डी, गोविंद वल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला सवाल, गैर नागरिक और गैर भारतीय भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन था? इसका सही आंसर है बी, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत सरकार ने भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। नेल्सन मंडेला भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी थे। अगला सवाल, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन हैं? इसका सही आंसर है सी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं। अगला सवाल, मैसूर के दीवान जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला? इसका सही आंसर है डी, मोचगुंडम विश्वेश्वरैया। अगला सवाल, भारत रत्न पुरस्कार तुरंत अस्वीकार करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे? इसका सही आंसर है डी, अबुल कलाम आज़ाद। भारत रत्न पुरस्कार तुरंत अस्वीकार करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला सवाल, किस गवर्नर जनरल को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है बी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। चक्रवर्ती राजगोपालचारी को 1954 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला सवाल, किस अंतरिम प्रधानमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ए, गुलजारी लाल नंदा। अगला सवाल, भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका सही आंसर है बी, सर सी वी रमन। भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय सर सी वी रमन थे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और बाद में पुरस्कार वापस ले लिया गया? इसका सही आंसर है डी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और बाद में पुरस्कार वापस ले लिया गया। अगला सवाल, नेल्सन मंडेला को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार मिला? इसका सही आंसर है सी, 1990 में। नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। अगला सवाल, पुरस्कार प्रदान किए जाने पर प्राप्तकर्ता को एक और पदक प्राप्त होता है? इसका सही आंसर है ए, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र। अगला सवाल, भारत रत्न के लिए सिफारिशें द्वारा को की जाती है? इसका सही आंसर है सी, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति। भारत रत्न के लिए सिफारिशें प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को की जाती है।
अगला सवाल, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना भारत के पहले राष्ट्रपति द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है सी, राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। अगला सवाल, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले फिल्म निर्माता कौन थे? इसका सही आंसर है बी, सत्यजीत रे। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले फिल्म निर्माता सत्यजीत रे थे। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।